वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतिह। जाणो अजिहा की होया कि लुधियाणा के गुरद्वारा दुख निवारण साहब विच एक नौजवान जहर खाण लई चलिया गया अते पाठी सिंघां दे सामने ही जहर खाण की कोशिश की। लुधियाणा के गुरद्वारा दुख निवारण साहब विच एक नौजवान नूं अजिही चीज मिली कि देख के सारा लुधियाणा दंग रह गया। जदों तुसी उस चीज़ बारे सुनोगे तो तुसी भी यकीन नहीं कर पाओगे। जरा क दुख होने ते परमात्मा तो नाराज होने वाले कई लोग होंदे हन, पर उन्हां नूं ये नहीं पता कि जे अज दुख है तो कल सुख भी जरूर आवेगा। जे जिंदगी तो सुख चले गए ने तो दुख भी एक दिन जरूर जाणगे, ये सदीवी नहीं रहिंदे। पर कई बार निराश होए बंदे दे दिलों परमात्मा दे प्रति विश्वास उठ ही जाता है तो परमात्मा तो बिछड़िया बंदा ये जिंदगी नूं खत्म कर जाता है। अजिहियां घटनावां असीं हर रोज़ देखदे ते सुणदे हाँ। कोई पैसे की तंगी तो परेशान है तो कोई अपनी ब्याहता जिंदगी तो, कोई गरीबी की झाल नहीं चल सकिया तो कोई बेरोजगारी तो तंग होकर अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। तो अखीर विच दुनिया का यह जवाब होंदा है कि इसकी किस्मत ही खराब सी, इस दे कर्मा ने ही इसनू मार दिता। पर यह किस्मत भाग ये बदले भी जा सकते ने, यह किवें बदले जा सकते ने साड़ी अज की इस वीडियो विच सिखो। गुरद्वारा दुख निवारण साहिब सवेर की गुरबाणी की कथा चल रही सी। संगतां सुन रही हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कर्मा के गेड़ नू बदल सकती है जेकर भरोसा होवे तां। संगतां विच बैठा जोधवीर सिंह कथा सुन रहा सी ते कथा समाप्त होने तो बाद जो ज्ञानी जी कथा कर रहे सन वह गुरद्वारा साहब तो बाहर आए तो जोधवीर सिंह ने उन्हां नू रोक के कहा कि ज्ञानी जी तुसी कथा कर रहे सी कि कर्मा ते गेड़ बदले जा सकते हैं। तो उसने पूछा कि मेरे भी कर्म ते गेड़ बदले जा सकते हैं। तो जोधवीर सिंह ने अपनी जेब च एक पूड़ी कढ़ी तो कहण लगा, भाई साहब मैं अपनी जिंदगी इतना तंग ते परेशान हो गया हाँ तो मैं इत्थे अज जहर खा के मर जाना है। अज मैं अपनी जिंदगी इत्थे समाप्त कर देनी है तो अज आखिरी बारी मैं गुरद्वारा साहब आया सी ते तुहाडी कथा मैनूं चंगी लगी तो मैं संगता विच बैठ गया तो हुण मैं अपनी जिंदगी समाप्त करन जा रहा हाँ। फिर भाई साहब ने पूछा कि तू मरना क्यों है, वह भी इत्थे आके तेरी की परेशानी है। जोधवीर सिंह ने कहा कि मैं गरीब परिवार का बच्चा हाँ, मैं बड़ी मेहनत करके पढ़िया तो अज कि भी नौकरी नहीं मिलती, घर में पैसे की बहुत तंगी है, मेरे माता पिता भी बीमार रहते हैं तो उन्होंने दवाई लिए भी पैसे नहीं रेंदे, भैणा का ब्याह करना है तो नौकरी कोई है नहीं। अखीर मैं तंग आके अपने दोस्त के नाल एक पंडित जोशी को गया तो उस ज्योतिषी ने मेरी मत्थे दे रेखावां ते मेरी जन्म पत्री नाल मेरा एक टेवा बनाया तो टेवा देख के उस ज्योतिषी ने कहा कि तेरे कर्मा विच कोई भी नौकरी या किसी विदेश का योग नहीं है, तेरे कर्म ही माड़े हैं तो अगले आने वाले 40 सालों विच तेरे भागां च कोई नौकरी नहीं है तो इसी तंगी का तेनों सामना करना पवेगा। शहर का बहुत पहुंचा हुआ पंडित मैनू ये गल कह रहा सी कि आने वाले 40 सालों तक तेनों इस तंगी का सामना करना पवेगा। 40 सालों तक मैं इन्ना सब कुछ किवें सह सकता हाँ, सो मैं अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। परेशानी झलण तो ज़्यादा चंगा है कि मैं मर ही जावां। ये सब सुन के ज्ञानी जी ने कहा कि तेनों पता नहीं तू कितों उठ के आया है। ये गुरु ग्रंथ साहब जी वो ने जिहड़े मत्थे दे लकीरां नूं भी बदल सकते हैं। अरदास कर, वाहेगुरु का जाप कर ते भरोसा कर। तो जोधवीर कहण लगा कि अरदास तां बहुत वारी करवाई है तो मत्थे दे भाग नहीं बदल सके, ये सब कहण दे गल्लां ने। तो ज्ञानी जी ने कहा कि चल ठीक है हुण अंदर जा अरदास कर कि मैं अमृत छकांगा ते नाम जपांगा। तो जोधवीर ने बड़े कॉन्फिडेंस नाल कहा कि चलो मरन तो पहलां एक बार अमृत छक के भी देख लैंदे हाँ। जोधवीर अंदर गया तो अरदास की कि मैं परेशानी विच तुहाडी बाणी का सहारा लैन जा रहा हाँ अते अगले ऐतवार अमृत भी छकांगा। अरदास करके वह चलिया गया। हले एक हफ्ते का समा सी ते एक हफ्ते विच कुछ अजिहा होया जो तुहानू भी हिला के रख देवेगा। हले अमृत छकिया भी नहीं सी ते शुक्रवार वाले दिन जोधवीर सिंह दोबारा गुरद्वारा साहब आया तो ज्ञानी जी नूं कहण लगा कि ज्ञानी जी मैनू अज नौकरी की चिट्ठी आ गई है। तो ज्ञानी जी ने कहा कि हुण अमृत भी छक लई, दुनिया की अजिही कोई भी जगह नहीं होवेगी जिथों तेनों नौकरी तो ना हो जाए। ऐतवार को अमृत छकिया तो सोमवार को वह नौकरी की इंटरव्यू पर गया तो उसनों बड़ी आसानी नाल नौकरी मिल गई। अज जोधवीर लुधियाने विच वधिया नौकरी ते लग्या होया है। एक बार फिर जोधवीर सिंह गुरद्वारा साहब गया तो ज्ञानी जी ने कहा कि हुण एक बार फिर उस पंडित नूं अपना टेवा दिखा। जोधवीर सिंह विश्वास लिए उस पंडित तो एक बार फिर अपना टेवा लैके गया तो पंडित उसका टेवा देख के बड़ा हैरान होया। तो पंडित ने हैरान होकर कहा कि तेरिया तो रेखावं ही बदल गई ने, मैं जो तेरे पहला कर्म देखे सी हुण वो सारे कर्म बदल चुके हैं, ये किवें हो सकता है। तो जोधवीर सिंह की अखा विच पानी आ गया तो उसने अपनी श्री साहब हाथ विच फड़ के कहा कि यह करामात तो मेरे गुरु की है। जिंदगी तो तंग होकर जोधवीर सिंह ने उस दिन अपनी जिंदगी खत्म कर लेना सी जेकर वह गुरद्वारा साहब ना जाता तो गुरबाणी की कथा ना सुनता।
गुरु मार्ग दिखाउंदा है पर गुरु ते भरोसा सानू आप ही करना पैंदा है।